आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। लघु सचिवालय के सभागार में आयुर्वेदिक विभाग के ANM और आशा वर्करों की ट्रेनिंग आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर मंजू बांगड़ ने की। उन्होंने उपस्थित आशा वर्करों और ANM को अलग अलग बीमारियों के प्रति जागरूक किया। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर मंजू बांगड़ ने उपस्थित आशा वर्करों और ANM को शुगर और हाई ब्लड प्रेशर आदि अन्य बीमारियों के लक्षण के बारे में जागरूक किया और बताया कि अगर किसी को शुगर की बीमारी होती है, उस व्यक्ति का शरीर थका हुआ और हाथों और पैरों में जलन महसूस होती है। उन्होंने बताया कि अगर आपके पास कोई ऐसा मरीज आता है जिसका घाव नहीं सूख रहा, तो आप सबसे पहले उस मरीज का शुगर चेक कराएं और अच्छी तरह से उसकी देखभाल करें। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा मधुमेह जैसी खतरनाक बीमारी को रोका जा सकता है। उन्होंने सभी आशा वर्करों को बताया कि आप सभी देसी दवाइयों के माध्यम से भी शुगर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को रोक सकती हैं। एक्चुअली ये कैंप 2 दिन का नहीं है, इसमें हमारा टारगेट है कि हम 8 बैचेस कर रहे हैं, 2-2 दिन का एक बैच, मतलब टोटल ये 16 दिन की ट्रेनिंग है, जिसमें हम लगभग 400 आशा और ANM इनको हम एजुकेट करेंगे आयुष की विभिन्न प्रणालियों के बारे में, कि आयुष के साथ जुड़ने से क्या क्या जन जन को लाभ हो सकता है और कैसे। मेनली हमारा टारगेट है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, आजकल जो आबाधाबी चल रही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से आयुष को अपना के कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है। आजकल मधुमेह एक ज्वलंत समस्या है। हमारा जो फर्स्ट नेशनल आयुर्वेद डे मनाया गया था, वो भी मधुमेह पे ही मनाया गया था। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में हम मेनली मधुमेह को ही कवर करें। तो आज हमारे डॉक्टर्स यहीं पे बता रहे हैं कि मधुमेह जैसी बीमारी को कैसे रोका जा सकता है और अगर हो जाती है तो कैसे इससे बचा जा सकता है आयुर्वेद और योगा के माध्यम से। नू से AK बघेल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।